बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ख्यालियत होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अदर नाइट इंटरम कोचिस का ऐलान कर दिया अगेन न्यूजीलैंड सीरीज, उसमें अजम महमूद है, मोहम्मद यूसुफ है, सईद अजमल है और वहाब व्यास को सीनियर मैनेजर अपॉइंटेड किया गया है। अदर नाइट में ना एक व्लॉग सुन रहा था, कई प्लेयर्स के व्लॉग, कई बंदों के व्लॉग्स में वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, बातें कर रहे थे अगेंस्ट वहाब व्यास के सीनियर मैनेजर क्यों लगाया है, कौन सी इंडिनेशन में ऐसा होता है, कौन ऐसा करता है, हायरिंग करता है, असिस्टेंट हायरिंग करता है, व्हाट्स एवर। अगर भाई इतने क्रिकेट के लेवल है ना, 2023 का वर्ल्ड कप देख लेते हैं, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान ने ना असिस्टेंट कोच हायर किए थे, तब वो भाई जान क्यों नहीं बोले। मई 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 3 असिस्टेंट कोच हायर किए थे, उसमें डैन विक्टोरी भी शामिल, जो माइनर न्यूजीलैंड के स्पिनर हैं, लेजेंडरी स्पिनर हैं, उन्हें असिस्टेंट कोच हायर किया था, तब वो क्यों नहीं बोले, तब उन्होंने क्यों भी लॉग नहीं किया, तब भी वो बोलते कौन सी इंडिनेशन में ऐसा होता है, क्या करते हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप अपने, उस टाइम क्यों नहीं बोला मेरा भाई, उस टाइम भी बोले तब। फिर उसने बाबर आजम की पॉडकास्ट के ऊपर बात की कि बाबर आजम से सवाल किया गया कि जी जसप्रीत बुमराह को आवर देंगे आप या नसीम शाह को लास्ट ओवर, तो उसने बाबर आजम ने नसीम शाह का नाम लिया, उसने कहा उसने जो लेना ही था वो उसके मुल्क का बॉलर था, ये व्हाट्सएप उसने बातें की। भाई तो ये जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड पता है, जसप्रीत बुमराह ने 23 जनवरी 2017 को वो मैच था नागपुर के, जिसमें इंग्लैंड ने 145 स्कोर करना था, 6 गेंदों पे 8 स्कोर चाहिए था, जो 5 स्कोर दिए थे, इंडिया वो मैच जीत गया था। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने कौन सा भी लास्ट ओवर में स्कोर डिफेंड किया था, काइंडली मुझे भी ये बता दें। अगर उसके आईपीएल कैरियर के अंदर आ जाए, उसने 27 इनिंग्स के अंदर लास्ट ओवर किए हैं, उन 27 इनिंग्स के अंदर उसने ना 15 चौके खाए हैं, 16 छक्के खाए हैं, 13 विकेट उसने हासिल किए हैं, 9.55 की उसकी एवरेज निकली है, 163-162 बॉलें उसने फेंकी हैं, इकॉनमी उसका सॉरी 9.55 का निकला है, एवरेज उसकी 19.84 की निकली है। तो भाई तू तो किस भी हाथ पे कह रहा है, नसीम शाह इज अ यंग बॉलर, एक टैलेंटेड बॉलर है, कहीं तो अपने प्लेयर्स का साथ दे दो, कहीं तो अपने मुल्क का साथ दे दो यार, मुल्क को क्रिटिसाइज करना छोड़ दो यार, अगर आप जैसे लोग ही अपने मुल्क को बुरा भला कहें दूसरों को, तो वैसे मौका मिलेगा, कम अज़ कम आप तो अपने मुल्क के एक अच्छा इमेज शो करें, अपना अच्छा इमेज बताएं मुल्क के बारे में। ठीक है आप कहते हो दुनिया को सब पता पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, ये सबको पता है, लेकिन कम अज़ कम आप तो अपने मुँह से बोलें भाई, आप दुनिया में सुने जाते हैं क्रिकेट के मुतल्लिक, आप तो कम से कम सही इंसानों वाली बात कर लें, आपसे तो कम से कम ये उम्मीद लगा लेनी चाहिए लोगों को कि यार कम से कम कहीं तो आप बोलेंगे किसी के हक में, पाकिस्तान किसी प्लेयर के हक में बोलेंगे। ठीक है मैं आपकी बात, आपने बात की जुनेद खान की कि उसने विराट कोहली की सेंचुरी के ऊपर, स्लो सेंचुरी के ऊपर उसने बात की, ठीक है उसने कर दी, वो व्लॉग मैं आपको कर रहे थे कि चले जी आपको इतना कंपनसेट मिलता है कि आपने वो बात ठीक कर दी, लेकिन आप जब कैप्टनसी के ऊपर आई आपने लिखा जी बाबर आजम को भी दोबारा कप्तान बना दिया गया है, ये व्हाट्सएवर, या बाबर आजम ने प्लेट पर रखी दी थी कि मुझे कैप्टनसी दी, बाबर आजम ने क्यों शर्तें रखी थी, या बाबर आजम ने कहा था मुझे कप्तान बनाओ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं आज भी कहता हूँ बाबर आजम डिफेंसिव कैप्टन है, बाबर आजम शायद आपको कोई ट्रॉफी ना जितवा सके, लेकिन मुझे बाबर आजम के अलावा आपकी टीम में कौन कप्तान है जिसे वो बना देते। शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फाई नहीं थे, उसकी आईपीएल में उसकी थोड़ी पी एस एल में क्या परफॉर्मेंस थी, उसकी वर्ल्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज क्या परफॉर्मेंस थी, उसकी लास्ट फ्यू से लास्ट वन एंड हाफ ईयर क्या परफॉर्मेंस चलती आ रही थी, उसे कप्तान बनाते यार, बोर्ड ने डिसीजन लिया है ना, तो बोर्ड ने लिया है तो आप कम अज़ कम उसे बैक पे तो जाओ, उसे स्पोर्ट तो करो, आप बाबर आजम के पीछे पड़ गए हो यार, उसने कप्तानी क्यों ली, उसने ऐसी बात है उसे लेनी चाहिए, या तू बता दे भाई किसे लेनी चाहिए, तू बता दे कौन सा कप्तान है टीम के अंदर जो होना चाहिए था, बाबर आजम को नहीं होना चाहिए था, कोई ऐसा बंदा तू बता दे भाई, शर्म करो यार अपने मुल्क के मुतालिक, अपने मुल्क के प्लेयर्स के मुतालिक तो अच्छा बोल दिया करो यार। ठीक है भाई आपको दुनिया सुनती है, आपको इनाम आते हैं व्हाट्सएप जो भी आते हैं आप उसको उसी पोस्ट से लगा देते हैं, लेकिन यार कम अज़ कम कहीं तो थोड़ी अपनी मोहब्बत लाओ बातों के अंदर, कि आपने हर वक्त अपने मुल्क के खिलाड़ियों को बुरा भला नहीं कहना, अपने मोड को बुरा भला नहीं कहना, कहीं तो उनके मुतालिक अच्छी बात कर लिया करो, किसी भी व्लॉग के अंदर अच्छी बात कर लिया करो मेरे भाई, कहीं तो शर्म खा लिया करो यार कि हमारे मुल्क है, हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारे मुल्क के हीरोज हैं, उनके मुतालिक आप बात करें, जब आप ऐसी बात करें तो लोगों को भी मौका मिलेगा, दूसरों को भी मौका मिलेगा बात करने का।
इतना भाई अगर तू आया तो तू आ जाता कप्तान, तू बन जाता टीम में आ जाता, तुझे अपना पेट तो कम नहीं किया जाता मेरे भाई, तो पहले अपना पेट तो कम कर ले। वह तो लगा हुआ है क्रिटिसाइज करने में, लगा हुआ है जी ये कर दिया बोर्ड ने, ये कर दिया वो, यार खुदा खौफी करो, कुछ शर्म खाओ, कुछ हया करो यार, थोड़ा ना सोच समझ के बोला करो मैंने क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी। माना आपको मैं फिट बात, आपको दुनिया देखती है आपको दुनिया सुनती है, लेकिन भाई कहीं तो थोड़ी शर्म लिहाज कर लो, कहीं तो अपने मुल्क के मुतालिक अपने मुल्क के प्लेयर्स के मुतालिक अच्छा बोल लो भाई, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। एनीवेज कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर अपने कमेंट्स में, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान।